बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5,194 हो गई है और इस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 149 पर पहुंच गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि कोविड 19 के ऐसे मामले जिनमें इलाज चल रहा है उनकी संख्या 4,643 है। 401 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। एक मामले में मरीज दूसरे देश में चला गया। कुल मामलों में से 70 विदेशी नागरिक है। सुबह 9 बजे तक आए मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार से 25 लोगों की मौत हुई। इनमें से 16 लोगों की मौत महाराष्ट्र में तथा दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु में 2-2 व्यक्ति की मौत और आंध्र प्रदेश में 1 व्यक्ति की मौत हुई। कोरोना वायरस से सर्वाधिक 64 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। गुजरात और मध्य प्रदेश में 13-13 लोगों की मौत और दिल्ली में 9 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु में 7-7 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 5 लोगों की, कटक और आंध्र प्रदेश में 4-4 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 3-3 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर और केरल में 2-2 लोगों की मौत हुई। बिहार, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। कोविड 19 के सर्वाधिक 1,018 मामले महाराष्ट्र से, तमिलनाडु में 690 मामले और दिल्ली में 576 मामले हैं। मंगलवार शाम को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मृतकों का आंकड़ा 124 हो गया था और संक्रमित मरीजों की संख्या 4,799 पर पहुंच गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 508 नए मामले सामने आए थे और इस दौरान 13 मरीजों की मौत भी हुई। मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में और राजस्थान में 3-3 एवं गुजरात, ओडिशा और पंजाब में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई थी। कोरोना वायरस से अब तक सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है, इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।